लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा होने वाला है, क्योंकि समूचा विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है। विपक्ष की एकता की तस्वीर आज पश्चिम बंगाल में नजर आई, जहां 22 दलों के साथ ने मोदी सरकार में खलबली मचा दी। भले ही इस रैली में बसपा सुप्रीमो मायावती खुद शामिल नहीं हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश से ही उन्होंने बीजेपी की बखिया उधेड़ दी, साथ ही पीएम पद को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उत्तर प्रदेश में जब से एसपी और बीएसपी में गठबंधन हुआ है, तब से बीजेपी की धड़कनें तेज हैं। लेकिन अब पश्चिम बंगाल की महारैली ने सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इस रैली में कांग्रेस से लेकर आरजेडी, सपा से लेकर बसपा समेत 22 दलों ने शिरकत की। इस रैली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर मोदी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि बसपा और सपा के गठबंधन से बीजेपी बौखलाई हुई है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, इसीलिए वो ईडी और सीबीआई से गठबंधन कर रही है। जहां अखिलेश पश्चिम बंगाल से प्रहार कर रहे थे, तो वहीं मायावती ने उत्तर प्रदेश से बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये विपक्षी एकता चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करके रहेगी। 4 सालों में मोदी सरकार को जितना अत्याचार करना था उन्होंने किया, लेकिन अब सरकार के दिन खत्म, अब जनता उन्हें सबक सिखा कर रहेगी। विपक्षी एकता के बहाने बीजेपी पर बरसने के साथ साथ मायावती ने पीएम पद को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम का चेहरा कौन होगा ये साफ नहीं है, अभी बस हमें मोदी सरकार को हराना है। पीएम देश की भलाई के लिए होता है, इसीलिए मोदी को हटाकर अब नया प्रधानमंत्री चुनने की जरूरत है। पीएम पद को लेकर अब तक अटकलें लगाई जा रही थी कि मायावती खुद का नाम आगे रखेंगी, लेकिन उन्होंने आज खुलकर खुद की दावेदारी पेश नहीं की। इस बयान के बाद अब पीएम पद को लेकर पसोपेश और बढ़ गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि महामुकाबले में मोदी का मुकाबला करने के लिए मैदान में कौन उतरता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।